नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ ज्ञानवर्धक बातें लेकर के, कुछ ज़रूरी बातें लेकर के जो हमारे जीवन के लिए बेहद लाभकारी एवं फायदेमंद साबित होती हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी स्त्री की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसे चाहने लगते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को चाहें तो बदले में वो भी आपको चाहे, पर आप उसके बिना रह भी नहीं पाते हैं और किसी भी हालत में उसे पाना चाहते हैं। जो कि अगर आप सामान्य रूप से ये सब सच होते देखना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है और बाकी आपकी किस्मत है। पर मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टोटके जिन्हें अपनाकर आप जो चाहें पा सकते हैं। पहला टोटका, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अनार की लकड़ी तोड़कर लाएं व धूप देकर उसे अपने दाईं भुजा में बांध लें और दिन में एक बार स्त्री के सामने जरूर आएं। जल्द ही आपका प्यार आपके पास होगा। दूसरा टोटका, यदि लड़की आपकी सिर्फ मित्र है और आप उससे अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं तो काकजंघा, तगर, केसर इन सबको पीसकर स्त्री के मस्तक पर तथा पैर के नीचे डालने पर वह वशीभूत हो जाएगी। तीसरा टोटका, इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, कांकड़ सिंगी आदि सारी सामग्री को इकट्ठा कर धूप बना दें व जिस किसी स्त्री के सामने धूप देंगे वह वशीभूत होगी। चौथा टोटका, तगर, कूठ, हरताल व केसर इनको समान भाग में लेकर अनामिका उंगली के रक्त में पीसकर तिलक लगाकर जिसके सम्मुख आएंगे वो स्त्री आपके वशीभूत हो जाएगी। पांचवा टोटका, पीली हल्दी, घी, गोमूत्र, सरसों व पान के रस को एक साथ पीसकर किसी तरह स्त्री के माथे पर एक तिलक लगा दें। ऐसा 5 से 7 दिन तक करें तो असर अच्छा होगा। यदि इतने दिन ना हो सके तो 3 दिन तो लगातार करें ही, आपको अनुकूल फल मिलेगा। इन टोटकों को केवल तभी अपनाएं जब प्यार दो तरफा हो या आप में वो काबिलियत हो कि आप प्यार को निभा सकें। बिना वजह किसी को परेशान करने के मकसद से इन टोटकों को ना अपनाएं, क्योंकि ऐसा करने से नतीजा उल्टा भी होगा और सामने वाले व्यक्ति के साथ साथ ये आपकी भी परेशानी का सबब बन सकता है। दोस्तों, तो अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे कुछ नई बातों को लेकर के, एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।